वी यानी गरीबों के उत्थान का बजट, वाई यानी युवाओं के उज्जवल भविष्य का बजट, ए यानी अन्नदाताओं की खुशहाली का बजट, एन यानी नारी शक्ति की आत्मनिर्भरता का बजट। मोदी सरकार जिन चार स्तंभों यानी ज्ञान को मजबूत करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, 2024 के बजट से इन चारों स्तंभों को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक प्रयास किया गया है। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान किया है, साथ साथ ही शहरी क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी आवास में सब्सिडी की घोषणा की गई है। इसी तरह भारत के अन्नदाता किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दिए गए हैं। 6 करोड़ किसानों की जानकारी को लैंड रजिस्ट्री पर लाने के साथ साथ 5 नए राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग से जहां किसानों की आय बढ़ेगी तो वहीं पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार 32 फसलों की 109 उन्नत किस्में लॉन्च करेगी। मोदी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ का बजट दिया है, जिसने युवाओं के लिए स्वर्णिम भविष्य के द्वार खोल दिए हैं। देश की टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को पेड इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और जिन युवाओं को सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें देश के बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए लोन दिया जाएगा, जिसका 3% पैसा सरकार भरेगी। इसके साथ ही सरकार ने मुद्रा लोन की लिमिट को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, जिससे देश के युवा जॉब प्रोवाइडर बन सकेंगे। नारी शक्ति की आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट दिया है। इसी के साथ देश की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए वर्किंग विमेन हॉस्टल की स्थापना भी की जाएगी। मोदी सरकार 3 का पहला बजट विकसित भारत के मजबूत स्तंभ ज्ञान, मतलब गरीब युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के जीवन में बदलाव का परिचायक बन रहा है और मोदी सरकार के प्रयास ये बता रहे हैं कि ज्ञान की मजबूती से भारत जल्द ही विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने जा रहा है।